पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार बब्रिक शाह ने 4 साला बेटे की मौत की असल वजह बता दी है। 4 दिसंबर को अदाकार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बेटे की तस्वीर शेयर करते हुए बताया था कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से दुआओं की अपील भी की थी। इसके अलावा एक और पोस्ट में अदाकार ने लिखा था कि मेरे तमाम बेटों में से ये सबसे ज़्यादा ज़हीन और बेहतरीन था, अल्लाह इसकी मगफरत फरमाए। मैं इसे हमेशा याद करता रहूँगा यहाँ तक कि हमारी मुलाकात दोबारा हो। इस हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बब्रिक के बेटे जावियर की मौत घर में पानी के टैंक में डूबकर हुई, लेकिन अदाकार ने अब तमाम खबरों को अफवाह करार देते हुए उनकी तर्दीद कर दी। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बब्रिक शाह ने बताया कि पानी के टैंक से बच्चे की मौत का कोई लेना देना नहीं है, मेरे पूरे घर में कोई टैंक मौजूद नहीं है, ये खबर एक शख्स ने फैलाई, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। उसने अपने फेसबुक पर लगाया और मुझे मेरे ख़ानदान ने उसका स्क्रीनशॉट भेजा। उन्होंने कहा कि मैं वो स्क्रीनशॉट देखकर हैरान रह गया था। मेरी इस शख्स के लिए दुआ है कि उसे अपनी ज़िंदगी में 2 बेटों को दफनाने का मौका मिले। अदाकार ने कमसिन बेटे की मौत की वजह बताते हुए कहा कि हमारी सोसाइटी में तो पानी ही मरकज़ी टैंक से आता है और वो कम से कम 50 फीट ऊंचा है। मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा ऑफिस का काम कर रहा था कि बेटा आया और उसने मुझे कुछ कहा, जिस पर मैंने उसे माँ के पास भेज दिया। बब्रिक शाह ने बात जारी रखते हुए बताया कि यह ड्राइंग रूम से निकल कर घर से बाहर गया। हमारे घर के नज़दीक एक नर्सरी है, वहाँ एक तालाब है जिसमें मछलियाँ होती हैं। बच्चे वहाँ मछलियाँ देखने जाया करते थे, लेकिन उनके साथ कोई बड़ा लाजमी होता था। अदाकार ने बताया कि बेटा उस दिन अकेले ही वहाँ निकल गया, जावियर वहाँ नहीं जाता था, लेकिन पता नहीं उस दिन कैसे चला गया। वो तालाब ख़तरनाक था, उसी में डूबकर उसकी जान चली गई। बब्रिक शाह के मुताबिक तालाब की गहराई काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके बायस बेटे की मौत हो गई। थोड़ी देर बाद जब बेटा हमें दिखाई नहीं दिया तो हमने उसकी तलाश शुरू कर दी, घर और बाहर हर जगह ढूँढा। मैं अंदर गया तो बाहर से चीखों की आवाज़ आई। बाहर आकर देखा तो एक बंदा बेटे को CPR देने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें लगा उसे अभी भी पानी से निकाला गया है। उन्होंने बेटे के मुंह से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन बेटा बेसुध पड़ा रहा। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन बच्चा जान से जा चुका था। ऑनलाइन डिजिटल TV इस्लामाबाद।